उनके बगीचे में इतने जहरीले और इतने विषैले जंतु लोग है। शाहनवाज खां कौन थे जी? धार्मिक आधार पर आरक्षण के फौज में लिया गया था कि सोच बिल्कुल सड़ी, और नीतीश बाबू कैसे उसको बर्दाश्त करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइव में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जिस बगिया की तारीफ करते हैं, यानी अपनी पार्टी जेडीयू की, उस बगिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश कुमार की करीबियों में से एक हुआ करते थे। अब वही उनके नीतियों और उनकी पार्टी को लेकर हमलावर रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार कितना भी दावा कर ले कि उनका बगीचा काफी साफ सुथरा है और निर्मल है, लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार के बगीचे में एक से बढ़कर एक विषैले और जहरीले जंतु रहते हैं। नीतीश बाबू कहते हैं कि बड़ा सुंदर उनका बगीचा है, कहते हैं ना, उनका बगीचा बड़ा सुंदर है, तरह तरह के फूल, तरह तरह के प्राणी रहते हैं। उनके बगीचे में इतने जहरीले और इतने विषैले जंतु लोग हैं। दरअसल पिछले दिनों जेडीयू नेता और पार्टी के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने भारतीय सेना को लेकर बयान देते हुए कहा था कि अगर पीएम मोदी को पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमानों को जगह दी जाए। जब पाकिस्तान मिसाइल बनाकर भारत को दिखा रहा था तो कोई नागपुर से बाबा जवाब देने नहीं आए थे। एक मुसलमान का बेटा ही सामने आया था जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे। वहीं उनके इस बयान पर जमकर राजनीति भी होने लगी, जिसके बाद इसी को लेकर इशारों ही इशारों में आरसीपी सिंह ने भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को जिम्मेवार ठहराया है। अब आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहा है आरसीपी सिंह ने। जो बताइए साहब, भारतवर्ष की जो फौज है उसमें सभी जात सभी धर्म के लोग हैं, जिनका आप नाम लिए, मैं नाम नहीं लेता हूं। कैप्टन जो हमारे हमीद थे वो कौन थे जी? हमारा मेजर शाहनवाज खां कौन थे जी? किस समाज के थे? तो क्या उनको धार्मिक आधार पर आरक्षण देके फौज में लिया गया था? अपने देश में धार्मिक आधार पर नियुक्तियां नहीं होती। और ये जो श्रीमान जी बोल रहे हैं ना, आप जरा सोचिए, ऐसे लोग को नीतीश बाबू रखे हुए हैं। आप याद करिए इस व्यक्ति का, जो जब वहां कश्मीर वाला बिल आया था, मैं था, धारा 370 हटी थी, क्या स्टेटमेंट मारा था। लेकिन लोग को लगता है कि बड़ा भारी है तो कोई वो तकरीर करने वाला व्यक्ति है। उसकी सोच बिल्कुल सड़ी हुई है, गली हुई है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और नीतीश बाबू कैसे उसको बर्दाश्त करते हैं वही जाने। अच्छा,